लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब सभी की नजरें 4 जून पर टिकी है, जब चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स ने अपने अनुमान पेश किए हैं, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल्स के अनुमान इस तरीके से हैं। 2 एग्जिट पोल्स में ये संभावना जताई गई है कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA संसद के 543 सदस्य निचले सदन में 350 से अधिक सीटें जीत सकता है। साधारण बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। 2019 के चुनाव में NDA ने 353 सीटें जीती थी। वहीं हम बात करें राजस्थान की होट सीटों पर, तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ था। इनमें से ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ सीटों पर निर्दलीय और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। राजस्थान की कुछ प्रमुख होट सीटें जैसे कि जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, भरतपुर, कोटा, बांसवाड़ा, जालौर और नागौर है। इन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी है। राजस्थान की सबसे चर्चित सीट है वो है बाड़मेर। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में राजस्थान में भाजपा का दबदबा रहा है और इस बार भी भाजपा यहाँ क्लीन स्वीप करने की उम्मीद कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता दरबार ने वरिष्ठ पत्रकार जयराम शर्मा से खास बातचीत की। जयराम शर्मा का कहना है कि राजस्थान की राजनीतिक स्थिति में काफी उथल फुथल देखने को मिल रहा है। भाजपा का पिछले चुनाव में दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। और क्या कुछ इन्होंने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। आपको बता दें कि तमाम मीडिया चैनल्स पे एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं और अगर हम प्रमुख मीडिया चैनल्स की रिपोर्टों की अगर बात करें तो NDA गठबंधन को करीब करीब 350 के आसपास की सीट आती हुई दिखाई देने और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 18 से 25 के बीच में आंकड़ा तमाम मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। वैसा जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रहे हैं और तमाम जो हमने आज 7वां चरण खत्म हुआ है, आपने भी कई जिलों का आपने दौरा किया है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की अगर पहले हम बात करें तो तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उन पे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कोई 18 से 20 बता रहा है, कोई 20 से 22 बता रहा है, कोई 22 से 25 बता रहा है, आपको क्या लगता है? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो लगभग 23 से 25 के बीच में सीटें आएगी, या तो 23 आ सकती है या फिर कोई चमत्कार हो, मोदी जी का चमत्कार हो जाए तो 25 आ सकती है। जी, ये अगर जैसे हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और जैसे अभी भी जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो मीटिंग चल रही, कई केंद्रीय मंत्री, कार्यकर्ता, तमाम अधिकारी आए हैं, उनसे हमने पूछा था कि जब फर्स्ट फेज में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, क्या उसका नुकसान राजस्थान को उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, ये सही बात है, उसका नुकसान राजस्थान को उठाना पड़ेगा। इसीलिए तो जो 2-3 सीट कम हो रही है, ये भी कारण भी एक कारण ये भी माना जा रहा है, और जो जीत का डिफरेंस है इनका सबका, वो सब कम होगा। पहले पिछली बार की बात करें अपन तो सब लाखों में जीत थी इनकी, अब ये हजारों में या कुछ हजार में इनकी जीत रहेगी। तो रविंद्र सिंह भाटी वाला फैक्टर क्या काम आएगा एज अ निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के? वहाँ रविंद्र सिंह भाटी सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ उमेदा राम जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो आसानी से जीत उनकी लग रही है। और अगर विशेष तौर पे बात करें जो राजस्थान में जहाँ से सीटें कम होती दिखाई दे रही है, वो विशेष तौर पे शेखावटी वाला जो बेल्ट है, सीकर, झुंझुनू हो गया, और अगर इस तरफ हम बात करें जयपुर से लगती हुई सीटों की बात करें तो दौसा प्रमुख मानी जा रही है, जहाँ से सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, टोंक वाली सीट को माना जा रहा है। टोंक में तो फिर भी जीतने की उम्मीद है इनकी बीजेपी की, लेकिन दौसा में मुश्किल है इनका, भगवान का कोई चमत्कार हो तो ही दौसा जीत सकती है। और शेखावटी की बात करें अपन तो झुंझुनू उनके हाथ से निकल रही है, चूरू बाकी और सब सीटें से सीकर हुई, जयपुर ग्रामीण हुई, ये सब जीत रही है। कुल मिला के राजस्थान के परिवेश में 23 से 25 का आंकड़ा, 23 से 25 का आंकड़ा बिल्कुल सटीक बैठेगा। और अब हम पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की अगर हम बात कर ले तो अभी तमाम एग्जिट पोल हमने अभी देखे तो लगभग 350 के आसपास कांटा रुकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एग्जिट पोल अभी तक सही आ रहे हैं और ये बीजेपी जो NDA गठबंधन है 350 के लगभग रहेगा। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज, हालांकि 7वां चरण था, लेकिन 2 दिन वो विवेकानंद रॉक पे चले गए, इसकी भी काफी आलोचना विपक्षी पार्टियों ने करी, एक पार्टी तो तमिलनाडु की कोर्ट तक चली गई। क्या आपको लगता है कि उनका जो डर है वो वाकई में सही साबित हो सकता है? ये तो जनता तय करेगी डर साबित होगा या क्या होगा, लेकिन विपक्षियों का काम है जो, तो विपक्ष तो हमेशा
किसी न किसी चीज को मुद्दा बनाकर काम करता ही है। और जो प्रधानमंत्री का है वो हर बार ऐसा ही करते हैं, कभी किसी साधना केंद्र में चले जाते हैं, कभी हिमालय के उसमें चले जाते हैं, तो वो तो उनका एक रूटीन सा हो गया अभी जी। और अगर संपूर्ण भारतवर्ष के एग्जिट पोल की अगर बात कर लें तो नॉर्थ इंडिया में ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, तो क्या इसकी भरपाई साउथ इंडिया, पश्चिम बंगाल, पंजाब आदि जगह से हो सकती है? हाँ, ऐसा इस बार लग रहा है, जैसे बंगाल में इनकी बढ़त हो सकती है, पंजाब में बढ़त हो सकती है, बाकी पूरे भारत की बात करें पर तो वहाँ इनको नुकसान, कई स्टेटों में नुकसान है, तो हो सकता है ये ऐसा करके बराबर हो जाए, पिछले जो इनका आया था आंकड़ा उसी आंकड़े के आसपास इस बार बीजेपी रहे। तो एग्जिट पोल और तमाम राजनीतिक विचारकों आपके हिसाब से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में भारत के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा, भले ही वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, और विशेष तौर पे मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा संविधान के रूप से, क्योंकि विपक्षी ने ये भी फैलाया कि अगर बीजेपी 400 बार लेकर आती है, एनडीए गठबंधन 400 बार आता है, तो संविधान में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। संविधान में परिवर्तन की बात करें अपन, तो ये जब से संविधान अमेंडमेंट हुआ है तब से परिवर्तन लगातार होते जा रहे हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। अब जहाँ जहाँ संशोधन की बात आती है किसी कानून में तो वो तो होना ही स्वाभाविक बात है, वो तो होगा ही जी। तो ये थी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, इनकी साफ तौर पर ये राय है, और जो तमाम जो मीडिया चैनल्स में भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, भले ही वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हो या फिर संपूर्ण भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में हो, भारत के अंदर ये करीब करीब जो आंकड़ा जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहे हैं, वो करीब करीब 350 का आंकड़ा बीजेपी या फिर हम कह सकते हैं एनडीए गठबंधन छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर पर बात करें तो जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि, और ये देखा भी सही हमने, कि पहले दौर की जो वोटिंग थी, पहले चरण की जो वोटिंग थी, वहां पर कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ता भाजपा के वो थोड़े सुस्त नजर आए, और ये हम नहीं, ये खुद बीजेपी के कई नेता भी मान रहे हैं इस चीज को, और हो सकता है उसी चीज का नुकसान 2, 3 या फिर 4 सीटों में बीजेपी को उठाना पड़ जाए। और उस हिसाब से अगर बात करें तो राजस्थान से भाजपा करीब 22 से 25 सीटों के आसपास जीतती हुई नजर आ रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।